भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 2 योग शिक्षक, और साथ ही साथ अगले 4 साल में हम इस अभियान में बर्बाद होता है, कई कई लोगों का 1 घंटा बर्बाद होता है, ये रोज का 1 घंटा निकाल के कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लें चिकित्सा और स्वास्थ्य की, तो अपने भी काम आए पूरे परिवार के काम, समय निकाल के सही चीज पढ़ने की आदत डालो। रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही, 15-20 मिनट पढ़ते पढ़ते सो, नींद भी अच्छी आएगी, ज्ञान भी मिलेगा। आप बोलोगे ये पुस्तकें मिलती क्या है, बाजार में मिलती हैं, खरीद लो, ज्यादा महंगी नहीं, 250-250 रुपए में मिल जाती है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रम भी उतने में ही आ जाती है, सस्ती है। और आपको तो अब खुशी होगी कि ये हिंदी में भी है ना, वैसे ये सब मूल पुस्तकें संस्कृत में है, लेकिन अब विद्वानों ने उसका हिंदी भाषांतर भी कर दिया है, आप बाजार से ले सकते हैं। और बाजार में अगर जाओ ना मिले तो ये जो अष्टांग हृदयम पुस्तक है, मैंने भी इसको लिखा है, अपने तरीके से लिखा है और बहुत सरल कर दिया है और थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। अष्टांग हृदयम मूल तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कम से कम उसमें 3,500-4,000 पन्ने, बहुत बड़ा है, मैंने बहुत छोटा कर दिया उसको, 125 पन्ने में छोटी पुस्तक बना दी, आम आदमी के काम आ सके, वो यहाँ मैं लाया हूँ, आप चाहो तो ले लेगा, बहुत सस्ता है, शायद 25 रुपए का, बाजार में तो 250 रुपए का, क्योंकि बाजार में तो जो छापने वाला है उसको अपना मुनाफा भी चाहिए, हमने इसको छापा है, कोई पैसा हमें ना मिले, जितना खर्च छपाई में आया उतने में, और उसमें हमने रंगीन कागज नहीं लगाया, सस्ता वाला कागज लगाया, उसमें हार्ड, सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ, ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं, जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ, किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ, वैसे आप जहां रहते हो यहां के लिए नारियल तेल ही अच्छा है, जब आप राजस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा है, जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है, पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल, शुद्ध खाओ कभी तकलीफ नहीं आएगी, और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा, शुद्ध तेल की इतनी ताकत है, और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं, ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल को। अब कहां से आएगा, मदुरई में ढूंढो कोई तेल मिल है क्या, नहीं है तो लगा लो, बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल, जो गुजरात वाले भाई गए ना राजकोट में, मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की, और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है, और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं, नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है, तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है,
अपनी अपनी नारियल लेके जाओ तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ तेल निकलवा के लाओ, और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी ढूंढ लो उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी फिर वापस चालू करो, और नहीं तो मेरी बात मानो एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो बड़ाई, और दोनों मिलाओ तो पूरा भोजन है। और श्री कृष्ण ने वो मक्खन खाया मिश्री के साथ तो मारा कंस, मारा जरासंध, खुद नहीं मरे मार दिया दूसरों। हमारे बच्चे भी खाए ना मक्खन और मिश्री, तो आज के कंसों को मारेंगे फिर ये आने वाले समय, तो बच्चों को खिलाओ माखन और मिश्री, बिल्कुल चिंता मत करो, खूब पेट भर के मक्खन खाइए। किस तरह का मक्खन? जो मैंने तरीका बताया, दूध को गर्म करना, गर्म करके दही बनाना, दही बना के उसमें वो रई चला के मथानी चला के जो मक्खन निकलेगा वो खाओ, नहीं तो गर्म करके घी बना के खाओ। जिंदगी में पित्त कभी भी खराब नहीं होगा, पित्त खराब नहीं होगा तो 40 रोगों से बचोगे 40। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी, चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉक। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ, चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी आप। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ खाओ, गुड़ सबसे अच्छी चीज है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है वो शुद्ध है, जो बारीक दाने हैं ना वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है बूरा, वो गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब मिला के आधा किलो, आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ 1 ग्राम बस, तो ये 1 ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को 4 घंटे में हजम करा देगा। 1 ग्राम गुड़ 4 घंटे में, आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं, आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच चीनी